मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 11/9/2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु आज दिनांक 2/9/2021 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन एनपी सिंह एवं मध्य प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य प्रताप मेहता तथा विद्युत विभाग के राजीव पटेल के द्वारा जिला न्यायालय परिसर से वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह के द्वारा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण कराए जाने पर होने वाले लाभ के बारे में बताया गया और जन सामान्य से तथा अधिवक्ताओं से प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण कराए जाने में सहयोग की अपील की गई। कार्यक्रम में नेशनल लोक अदालत के संयोजक विशेष न्यायाधीश अहमद खान एवं जिला न्यायाधीश वैभव मंडलोई, संतोष प्रसाद शुक्ला, शशिकांत वर्मा, अंबुज पांडे, श्रीमती आरती शुक्ला पांडे, पंकज चतुर्वेदी, आदेश कुमार जैन एवं विशेष न्यायाधीश विदत अधिनियम जितेंद्र कुशवाहा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक नागराज, अतुल यादव तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक यादव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरदयाल सिंह एवं अन्य अधिवक्ता न्यायगीन कर्मचारीगण जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह उपस्थित रहे। उक्त वाहन रैली लगातार नेशनल लोक अदालत के दिनांक तक गाँव गाँव एवं मोहल्ले में जाकर लोक अदालत के संबंध में प्रचार प्रसार करेगी और आम जनता को शासन द्वारा विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा दी जा रही छूट के संबंध में जानकारी देगी।